जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबको जनरल स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम आप सबके बीच में स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था, जिसका ऑप्शन ए है बांकीपुर जेल, तथा बी है हजारीबाग जेल, सी है कैंप जेल, तथा डी है भागलपुर जेल। तो इसका दोस्तों सही आंसर है बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को कैद करके रखा गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जस्टिस पार्टी, बी है कम्युनिस्ट पार्टी, सी है सोशलिस्ट पार्टी, डी है किसान सभा। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण को सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। सूची एक स्थल का नाम है तथा दो है प्रांत का नाम, जिसमें है बारदोली। बारदोली में ए है बारदोली, बी है चौरी चौरा, सी है यरवदा और डी है नोआखली। और प्रांत में है महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश। बारदोली जो कि है वो गुजरात से है, तथा चौरी चौरा जो है वो उत्तर प्रदेश से है, यरवदा जो कि वो महाराष्ट्र से संबंधित है, तथा नोआखली है जो वो पश्चिम बंगाल से है। तो दोस्तों इस प्रकार देखते हैं कि ए का दो नंबर ऑप्शन है, तथा बी का 4 नंबर, सी का 1 तथा डी का 3 नंबर ऑप्शन है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 ईस्वी में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी पूछा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है भोला भाई देसाई, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तथा डी है डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू। दोस्तों इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मुकदमे की पैरवी नहीं की थी, बाकी भोला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा कैलाश नाथ काटजू ने दिल्ली के मुकदमे की पैरवी की थी आजादी फौज के किले में। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था वे कौन थे? जिसमें ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है मदन मोहन मालवीय, सी है लाला लाजपत राय, डी है स्वामी श्रद्धानंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी ऑप्शन स्वामी श्रद्धानंद, जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है हिंद केसरी, बी है केसर ए हिंद, सी है राय बहादुर और डी है द राइट ऑनरेबल। तो असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो दोस्तों किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन नहीं किया था? तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इन तीनों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो एक है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है खिलाफत आंदोलन, फोर्थ नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन। नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर चुनिए। तो दोस्तों सबसे पहले हुआ था खिलाफत आंदोलन, उसके बाद हुआ था असहयोग आंदोलन, फिर हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तथा फिर अंतिम में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका इस प्रकार देखते रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कथन ए 1928 ईस्वी में 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण तथा कारण दो है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो दोस्तों इसमें का जो ऑप्शन ए है ए एवं आर सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी भी भारतीयों के न होने के कारण ही साइमन कमीशन को वापस भेज।
किसी भी भारतीय की सदस्य न होने के कारण साइमन कमीशन को वापस भेज दिया गया था तथा उसका विरोध किया गया था, क्योंकि इसमें और तथा इस कारण में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? दोस्तों इसमें दूसरा सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा अगला क्वेश्चन है, निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आशा बली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संग्रहकर्ता के रूप में था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन तथा डी है स्वदेशी आंदोलन। इसका सही आंसर है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, बी है प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, सी है केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, डी है संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की स्वीकृति। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए है सरकारी नौकरियों में दलित के को समुचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसका आंसर है इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे है प्लेग या जीवाणु महामारी का वाहक, दूसरा है बार बार पड़ने वाले अकालों दुर्भिक्षों का साधन, तीसरा है समाज में वर्गभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, चौथा है दुर्घटनाओं का वाहक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसमें था प्लेग। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना इसलिए की थी क्योंकि रेलवे को वो मानते थे कि वो प्लेग जो उसमें एक महामारी के रूप में था उसका वाहक है, तब दूसरा बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन है तथा समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि समाज में वर्ग भेद इसलिए बढ़ता कि गरीब लोग उस ट्रेन से आवाजाही नहीं कर पाते थे तथा अमीर लोग उस ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही कर लेते थे। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्घोषणों पर विचार कीजिए और घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए व अधोगति झेलने के लिए दायी है उत्तरदायी है जो मनुष्यों के में उपयुक्त नहीं है। दूसरा इसका पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, तो दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा दादा भाई नौरोजी तथा चौथा है रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। रोलेट एक्ट पारित किया गया था। रोलेट एक्ट किसके लिए पारित किया गया था दोस्तों? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों या गतिविधियों में कमी लाने के लिए किया गया था। राष्ट्रवादी। अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो दोस्तों इसमें नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी थी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। और दूसरा है, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। तीसरा, यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्य वर्ग राजनीति, धर्म सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन जो था, यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलनों की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता में था और यह आंदोलन चौरी चौरा में हुए पुलिस हत्याकांड में जो जिसमें एक चौकी को जला दिया गया था, इसलिए इसको वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो दूसरा ऑप्शन है, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक था। साथ ही साथ असहयोग आंदोलन जो था, ये अंग्रेजों को किसी भी प्रकार की सहायता न देना था और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम की एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक।
सहायक हुआ था। तो दोस्तों इससे यह पता चलता है कि ऑप्शन एक भी एक और दो सही है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? पहला, सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संघटक है। दूसरा, सत्याग्रह बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। तीसरा, सत्याग्रह यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वालों को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसमें सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संघटक थे, जब और तथा सत्याग्रह बुराई का प्रतिरोध कर सत्याग्रह ही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। इसलिए आप यही दोनों कथन सही है तथा ऑप्शन नंबर डी सही है, केवल एक और दो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर हम कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।